हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फिटनेस टिप्स। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की, जिसमें वेजिटेरियंस के लिए और जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेते उनके लिए ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है देखना। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लूज करते हैं, प्रोटीन उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ऑथेंटिक बहुत मुश्किल है मिलना और कॉस्टली भी ज़्यादा है। तो करना क्या है, हम वर्कआउट भी करते हैं और वेट लूज भी करते हैं, मसल्स को गेन भी करना है और अपने बॉडी वेट से लगभग दुगना प्रोटीन भी हमें यूज़ लेना है। अब उस प्रोटीन को अगर हमें यूज़ में लेना है तो हम कैसे लेंगे, तो आज का टॉपिक यही है कि हमें अपना प्रोटीन बॉडी वेट से दुगना कैसे लेना है वेजिटेरियन डाइट में। हाँ, ये एक अजीब सी बात है कि वेज भी हमें अपनी बॉडी वेट से दुगना प्रोटीन दे सकता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए नॉन वेज में जाएँ, ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम सप्लीमेंट्स यूज़ करें। हम प्रोटीन को अपनी वेजिटेरियन डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 6 टाइम लगभग आपको जो मैंने मील्स बताई थी, लगभग 6 मील आपको मैंने बताई थी, उन सभी मील में अगर आप उस प्रोटीन को इंक्लूड करेंगे तो आप 150-160 ग्राम प्रोटीन ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है वेजिटेरियंस के लिए, कुछ वेजिटेरियंस ऐसे भी हैं जो एग खाते हैं, वो एग इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर एग इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी लगभग 140-150 ग्राम वो प्रोटीन अपनी वेजिटेरियन डाइट में ले सकते हैं। तो सबसे पहले है सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स में है सोया पनीर, सोया मिल्क, सोयाबीन चंक्स इंक्लूड कर सकते हैं, और सोया से हमें लेने हैं लगभग 15-20 ग्राम प्रोटीन लेना है, उसे ज़्यादा यूज़ नहीं लेना है। नेक्स्ट हम चपाती है, इंडियन चपाती में लगभग एक चपाती में 3-4 ग्राम प्रोटीन है। नेक्स्ट है दही, 200 ml में लगभग 8 ग्राम दही है, 200 ग्राम में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन है। नेक्स्ट है मदर डेयरी का फ्रेश पनीर। मदर डेयरी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें लगभग 200 ग्राम मदर डेयरी में लगभग 42 ग्राम प्रोटीन है, जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है लेग्यूम्स, यानी कि दालें। अगर आप अपने लंच में या डिनर में एक टाइम दाल इंक्लूड करते हैं तो लगभग 15-20 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। नेक्स्ट है पीनट्स, सर्दियों में इजीली मिलते हैं और गर्मियों में ये किसी भी मॉल में या फिर किसी भी रिलायंस फ्रेश या कहीं से भी आपको ये मिल सकते हैं। तो पीनट्स आप 100 ग्राम रोज़ अपने खाने हैं। और नेक्स्ट है पीनट बटर, पीनट बटर भी आपको ब्रेड पे लगा के, या वो वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो, वो आपको लगभग 1 स्कूप या 2 स्कूप हमें पीनट बटर लेना है। नेक्स्ट है एगेटेरियंस के लिए एग्स, 6 बॉइल्ड एग, लगभग 6 बॉइल्ड एग आपको देंगे लगभग 20-25 ग्राम प्रोटीन। तो आपके सभी प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है, इस में लगभग 150-160 ग्राम प्रोटीन इंक्लूड है। तो आपको कुछ भी सप्लीमेंट इसमें यूज़ नहीं करना है, कोई भी मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज़ नहीं करना है, और ये सभी प्रोडक्ट अगर आप डालते हैं अपनी मील में 6 मील में, तो आप कंप्लीट कर पाएंगे 160-170 ग्राम प्रोटीन, जो आपके लिए काफ़ी है, बहुत है, और आप एक्सरसाइज के बाद में बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और ये आराम से ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।